एटीएम मशीन को तोड़कर चोरी करने के मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 4 दिन पहले अज्ञात बदमाशों ने एटीएम से चोरी करने की थी कोशिश। पुलिस गश्त के कारण चोरी करने में असफल रहे बदमाश। एटीएम के बाहर लगे कैमरों से हुई बदमाशों की शिनाख्त। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। जिला बिजनौर थाना धामपुर के यूको बैंक एटीएम का मामला। एसपी ने किया घटना का खुलासा। बिजनौर एसपी संजीव त्यागी ने खुलासा करते हुए बताया है कि धामपुर में 4 दिन पहले एक एटीएम से रुपये चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए बताया कि धामपुर में यूको बैंक की शाखा के एटीएम को तोड़कर कैश चोरी का प्रयास किया गया था, जिसके संबंध में धामपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर खुलासा करने के लिए जांच टीम का गठन किया गया था, जिसमें धामपुर पुलिस ने जितेंद्र, मोहित और संगम नाम के चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 2 चाकू व 1 सबल बरामद कर 3 बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। ये गिरोह यूट्यूब पर वीडियो देखकर इस तरह की वारदात को अंजाम देता था। इसके अलावा इन बदमाशों के 3 और साथी है जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आज न्यूज चैनल के लिए बिजनौर से रिपोर्टर सलीम अहमद की रिपोर्ट। चार दिन पहले थाना धामपुर के कस्बा क्षेत्र में यूको बैंक के एटीएम को तोड़कर चोरी का प्रयास कुछ बदमाशों ने किया था। पुलिस गश्त के कारण वो कामयाब नहीं हो सके। इस पूरे गैंग का खुलासा करते हुए थाना धामपुर की पुलिस टीम ने 3 अभियुक्तों को अरेस्ट कर दिया है, जिनमें से 1 जनपद बिजनौर का है, 2 उधम सिंह नगर के हैं और इनके 3 अन्य साथी पंजाब के रहने वाले हैं। ये 6 लोग एक कंपनी में रुद्रपुर में काम करते थे और वहाँ से इन्होंने मिलकर योजना बनाई कि एटीएम को लूट कर उसमें से पैसे निकाले जाएं। पूरा किस तरीके से पैसे निकलते हैं वो इन्होंने यूट्यूब से प्रशिक्षण लिया और उस हिसाब से घटना को अंजाम देना चाह रहे थे, जो प्रयास पुलिस की सक्रियता की वजह से विफल हो गया और पुलिस टीम के सराहनीय काम के लिए 5,000 रुपये पुरस्कार दिए गए हैं। वैधानिक कार्रवाई करवाई जा रही है।